पतले बोले जिनके भी जहां भी प्रॉब्लम थी चेक करें, अभी जा चुकी है इसी नाम से, अगर जा चुकी है जल्दी अपनी जगह पर दौड़ेंगे, टेस्ट वाली करिए आगे आएंगे, एक टेस्ट वाली सुनते हैं प्रभु की महिमा के लिए। यस थैंक यू जीसस, धन्यवाद पुलिस पे, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस गवाही दे ली। बस पैदा नाम जेड़ा कांता या और ये ना पेंट जेड़ा कमजोर था और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी दे में चंगाई दी और इन्होंने शरीर के बीच जो दर्द थी जो तकलीफ थी परमेश्वर ने दूर की था और जितना है दर्द या इन्होंने दो महीने तो जेड़ा जोड़ा कैसे की प्रॉब्लम हो गई थी जेने करके इन्होंने पूरे शरीर के बीच दर्द रहता थी और ये दर्द रहा कि इन्होंने बहुत मेडिसन भी ली पर वो मेडिसन ना भी इन्होंने कोई की फर्क नहीं थी पैदा पर ये प्रार्थना दे बीच लगातार टीले शिफा चर्च मिस्ट्री दे नाल लगातार जुड़े रहे बंदगी दे में चांदे रहे और जिस तरह ना दा वाइट कार्ड 22/2022 नु जदों मीटिंग चल रही थी ते इन्होंने अपना वाइट कार्ड बनवाया जेदे विच इन्होंने अपनी प्रॉब्लम भी लिखी हुई है और वो गवाही दे नाल अटैच आ और दस रहे हैं कि जो वाइट कार्ड बनिया और जो पास्टर जी ने इन्होंने प्रार्थना की ले हैंड प्रेयर हुई और जड़ा इन्हों का दर्द से ना जड़ा मेडिसन भी ठीक नहीं कर सकी और दाते आके प्रेयर तो बाद जड़ा प्रभु ने इन्हें छूया और इन्हें नु चंगाई दी और इन्हों का जड़ा दर्द तो बिल्कुल ठीक हो चुका आमेन आमेन जोर से जोर आमेन जोर से साथ में लेकर आए दिखाओ जरा ऊंचा कर और क्या लिखा है यहाँ पर कोई पढ़ सकता है अभी नहीं है पक्का चेक कर कर आयो अच्छा इसको ऐसे दिखाओ और ऐसे हवा में उड़ा दो हवा में उड़ा दो क्रिया ऐसे बोलो क्रिया यीशु के नाम पर हवा इनको मैं दो ऐसे बोलो कि क्रिया यीशु के नाम पर अभी चेक किया अभी जाकर देखा ऐसा हाथ ऊंचा करो ऊंचा करो आप सबको बोलो कि मेरे साथ हाथ लाओगे तो चंगे हो जाओगे ऐसे दोनों हाथ उठाकर लाओगे तो चंगे हो जाओगे मेरी माँ हो तेरी जिस कंडीशन में आए थे कि आप वैसे हो या चेंज हो चुके हो अगर आप चेंज हो तो जल्दी से आ गए अपनी अरसौलियों को चेक करो किडनियों को चेक करो अपने गुत्रों को चेक करो और सर्वाइकल को चेक करो क्योंकि अभी जा चुका है यीशु के नाम से अपने आप को उठाकर घुमाकर सब कुछ करके देखो चंगे हो चुके यीशु के नाम से चंगे हो चुके हैं जल्दी से अपनी टेस्ट करने को लेकर आए बोले Yeah.
हाँ नहीं, कई लोग यीशु की जय जयकार नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और जय जयकार क्यों करनी है? क्योंकि वो खुदा है हमारा, वो सारी दुनिया का परमेश्वर है, इसलिए उसकी जय जयकार करनी है। हालेलुया। अगर उसकी जय जयकार करोगे, जितनी जोर से जय जयकार, उतनी जोर से बरकत तुम्हारे घर में डालेगी। हालेलुया। मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ, आने वाले अक्टूबर नवंबर और दिसंबर महीने में आपके घर में ऐसी गुड न्यूज आएगी जिसके लिए आपने पूरे 7 साल या 4 साल वेट की है। हालेलुया। इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, ये गुड न्यूज आपके घर में मैं आते हुए देख रहा हूँ। कितने लोग रिसीव करते हैं हाथों को उठा, हाथों को उठा कर रिसीव करना है, हाथों को उठा कर रिसीव करना है। कुछ चीजें जो कच्ची हैं ऐसे टेढ़े पड़ रही हैं, टेढ़े पड़ गई हैं, और उसमें से मैं कीड़े निकलते हुए देख रहा हूँ। ऐसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत से कीड़े आ जाते हैं घर में, आते हैं क्या? मैं देख रहा हूँ एक शराब आज से तकरीबन 3.5 साल पहले आपके घर में कोई ऐसे डालकर गया, किसी ने आपको आए भी, बाइबल में लिखा है आए आए भी, उसके बाद आप डाउन हो गए और घर में इसी कारण कलेश का आत्मा, और ऐसे बोलते हैं कि कुछ होने वाला है, गलत होने वाला है, ऐसा ही सोचते रहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मगर परमेश्वर केवल दिखाता नहीं है, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। आप ऐसे काउंटिंग करो, 1 2 3 आगे आगे करी जब 5 मंथ में आप एक बार फिर यहाँ पर खड़े होंगे आकर, और उस वक्त आपके जो बिगड़े हालात हैं वो सुधरे होंगे यीशु के नाम से। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, मैंने आपको बहुत आंसू आते हुए देखा है, अकेली रोती रहती है ताकि तेरी माने पर कोई नहीं मानता है, जैसा तू कहती है कोई नहीं करता है। मगर मैं देख रहा हूँ इन 5 मंथ में तू अपने घर के, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के सुधार को देखेगी। जो जादू तूने, जो काले गए, जो श्राप तेरे घर में शैतान ने डाले हुए हैं, आज तू यहाँ पर है, मैं तेरे घर से उखाड़ कर बाहर फेंकता हूँ। आज फ्री होने जा रहे हो ईश्वर के नाम, आपके घर में आएगी। आमें, आमें। आमें। मैं किसी परम जीत को देख रहा हूँ, बुरी नहीं है मगर बुरा शैतान करवा रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम उनके लिए आज प्रार्थना करें, आप ऐसे हाथ खड़े करें, आंखें बंद करें। प्रभु मैं परम जीत को, प्रभु सारी बुराई से बाहर निकालता हूँ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जो इनके लिए बुरा सोचती है, जो इनकी फैमिली के लिए बुरा सोचती है, जादू टोने करती है, आज उनका माइंड बदल जाए, इनके साथ मिलकर प्रार्थना करने वाली बन जाए। सारे शापों को तोड़ दो प्रभु की बेदारी आई यीशु के नाम से। Oh,
क्या देख रहा हूँ, एक जमीनी और एक जिस्मानी, और तीसरी बात इसको हम बोलते हैं जैसे रिलेशनशिप, मतलब परिवार की रिलेशनशिप, ऑल घराना। और एक ऐसे ही चीज चलती आ रही है आपके प्यो दादा से, जो आपकी बॉडी में भी एंटर कर चुकी है और मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट कई पीढ़ियों तक जाएगी, मगर वो अच्छी चीज नहीं है, वो शैतानी बीमारी है, बाबा है वो। और जो जमीनी में चीजें देख रहा हूँ, जमीन के बीच में काफी आप उलझते जा रहे हो, कई चीजें जमीन के नीचे है जो शैतानी चीजें गाड़ी गई है, आज हम उड़ कर बाहर फेंकेंगे और आप यीशु के नाम से ब्लेस होंगे और हम आपको बोलेंगे जाकर रिपोर्ट करा तो नॉर्मल आएगी। हम आपको बोलेंगे कि आप इस चीज से आजाद हो चुके हैं तो आप आजाद हो जाओगे। जो रिलेशनशिप मतलब आप हमारा घराना है और आपको बहुत से लोगों ने धोखा दिया है, आपके बहुत निकट है वो लोग, आपको पता है आगे कोई धोखा नहीं दे पाएगा क्योंकि प्रभु की सामर्थ आपके साथ जाएगा। प्रभु से रिश्ता अपना और मजबूत करना और ब्लेस हो जाओगे यीशु के नाम से। आमीन। अभी आप ठीक महसूस कर रहे हो, पक्का सच बोल रहे हो, आकर देखा ऐसे करके देखो ऐसे ऐसे जो बैठो Amen. 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 Am
और लास्ट संडे जब चर्च के
कि मैं मेडिसिन भी ली है और मेरे तो बर्दाश्त नहीं हो रही खांसी। और रब की दास जी ने जब इन्होंने दसिया कि इन्होंने प्रार्थना की और ये दस रहे कि प्रार्थना तो बाद जड़ी इन्हों की खांसी बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी है। हालेलुया। अभी इनके घर में जाकर देखना टाइल्स और पक्के और एसी लगे हुए हैं। वाओ, ऐसा लग रहा है कि हम कहां आ गए हैं। टोटल लाइफ चेंज कर दी। कौन करता है लाइफ चेंज? बोलो यीशु मसीह। हम इस गवाही से सीखेंगे कि परमेश्वर से बने रहना, परमेश्वर के खुदा के भवन से बने रहना कितना हमें बेनिफिट करता है। हालेलुया, क्योंकि हालात बदल जाते हैं। अभी बेटा कोई जो ऐसे थे जो इन्होंने बोला ऐसे सारा कुछ चलता था, अभी तो नहीं छोड़ सकता। देख लो इसी उसी फिर से जाने उड़ जा रही। मैं एक बात देख रहा हूँ,
अभी आप रैंक पर हो और सेकंड टेस्टिमनी के साथ यहाँ पर आप खड़े हो गए अपने घर। और ऐसा नहीं कि कई सालों के बाद ही मैं देख रहा हूँ, जब कुछ ही मंथ में आप ये टेस्टिमनी के साथ ब्लेस होने जा रहे हो। हालेलुया। और सबको कहीं कहीं साथ हाथ उठाए, मेरे हाथ साथ हाथ उठाए, ऐसे हाथ उठाए, बोलो सेना दा यहोवा जो मेरे नाल है, तेनु मेरे पैर तो डर पाना। सेना दा यहोवा जो मेरे नाल है, तेनु मेरे पैर तो डर पाना। तो मुझे ऐसा दिखा रहा है यहाँ पर ना किसी के पेट में कुछ था, कुछ गोला जब सॉरी कुछ ना कुछ था जिससे वो तकलीफ में थी। अभी वो अपने को चेक करे, देखे यहाँ पर पंडाल नहीं है, वो आपको हीलिंग को रिसीव करना सीखो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जा चुकी है, आप उसको रिसीव नहीं कर रहे। और मैं देख रहा हूँ ऐसे कुछ हड्डियों की प्रॉब्लम थी, चाहे टेढ़ी चाहे पिंगी हड्डी थी, अभी अभी सीधी हो रही है यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूँ वो चुपन आपकी हट रही है यीशु के नाम से। अब पीछे से आगे तक सब लोग जितने भी इन चीजों से पीड़ित है अपने आप को चेक करें, यू आर द हील नाउ, अब चंगे हो चुके हैं यीशु के। हालेलुया हालेलुया। जल्दी अपनी जगह पर खड़े हो जाए और दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रखे यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। ऐसे कहें धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। फिर से कहें धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। फिर से कहें धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, जोर से हालेलुया बोलो जी। टेस्टिमनी सुनते हैं प्रभु की महिमा। हालेलुया। इस पहला नाम किरना और पिंड कलारा और जड़ी ना जी जीवन की गवाही है कि जिस तरह जी जानते हैं कि सचमुच जो जी परमेश्वर ना वफादार होंगे साड़िया छोटिया छोटिया जरूरत भी जड़ी है वह परमेश्वर जानता कि जो साड़ी कोई मदद कोई सहायता लेनी हुंदा तो साड़ा एक आसरा हुंदा और आसरा है और नाम है यीशु मसीह। और सचमुच इन्हों की जी गवाही है और एक दस रही है इन्हों की छोटी भैन की मैरिज थी और ये काफी परेशान थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और ऐसे कर रहे थे कि भैन की मैरिज किस तरह होगी, किस तरह अरेंजमेंट होगा और काफी दस रहे हैं कि अभी परेशान थी और ये दस रहे हैं कि इन्होंने परमेश्वर से भरोसा रखा और इन्होंने जड़ा है पास्टर जी तो प्रेयर कराई और उन्होंने मिलकर गए और दसिया कि मेरी जी भैन की मैरिज है पर सानू फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आ और अभी बहुत टेंशन के बिच आ क्योंकि हर एक नु होता है कि साड़ी बेटी की मैरिज वधिया हो गए कि मुंडे आए उन्होंने साड़ी कोई भी किसी तरह की कोई बेइज्जती या इंसल्ट वाली गल ना हो गए और परमेश्वर से इन्होंने भरोसा रखा और दसिया कि जब रब के दास जी ने इन्होंने प्रार्थना की और ये चले गए और उस तो बाद इन्हों की भैन की मैरिज हुई और दस रहे हैं कि परमेश्वर ने सचमुच नामुमकिन नु मुमकिन किया और हर अरेंजमेंट विच बरकत दी और इन्हों की भैन का ब्याह बहुत ही वधिया ते वधिया तरीके नाल हो गया। प्रभु जी एक सामर्थ्य शक्ति है जो साढ़े तो करवा रही है
ਸੀ ਔਰ ਐਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆ ਮੈਂ ਸਕੈਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਆਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਆਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 12-1 ਵਜੇ ਸਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਆਈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਮਰਥ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਲਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12-1 ਵਜੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ रस्ते में उल्टी आई सारी चीजें उल्ट के बाहर आमेन कितने लोगों को समझ लगी अगर आपको समझ लगी है आप चाहते हो कि आपकी एक बेस्ट टेस्टिमनी हो नेक्स्ट आपकी टेस्टिमनी होने जा रही है मैं देख रहा हूँ जो लोग अपने जीवन में परेशान है जब किसी चिंता में है जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं सारे सबमिट किए हुए हैं पेपर सबमिट किए हुए हैं याद रखो ये गुड न्यूज के साथ ही वापस आएंगे यीशु के नाम में मैं ऐसा देख रहा हूँ हालेलुया देखो छोटी कहानी नहीं है 7 साल का रोग दूर हुआ है हालेलुया कितने साल का प्लीज क्या की आवाज नहीं आज जसंदा लंगर तैयार है क्या लंगर तैयार है लंगर तैयार है अभी तो बहुत कितने साल का 7 साल बोलो 7 साल का परमेश्वर के लिए धन्यवाद के साथ भर चुका हूँ कि मैं खड़ा होकर हाथों को हिलाकर प्रभु की वर्शिप करूँ प्रभु की आराधना करूँ स्तुति करूँ क्योंकि परमेश्वर ही है जो 12 साल 7 साल 10 साल के रोगों को उपार कर अभी ठीक हो ना हाथ उठाए अपने और कहे जिंदा पा
गए। वैसे तो शिफा चर्च थकना नहीं चाहिए। कहते हैं टेस्टिमनी बहुत आ रही है, लोग चंगे हो रहे हैं, जैसे जैसे चंगे हो रहे हैं अपनी अपनी टेस्टिमनी लेकर आते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम और लगेगा, फिर सबके लिए लास्ट प्रेयर होगी। मैं चाहता हूँ आज निराश वापस ना जाओ, आज निराशा यीशु के कर्मों में छोड़ दो और गुड न्यूज आपके साथ जाएगी। थोड़े समय के लिए, 2 मिनट के लिए मैं बोलता हूँ, अपने स्थान पर बैठ जाएं, एक बैठ कर टेस्टिमनी सुनते हैं। क्योंकि 7 साल का रोग दूर हुआ है। कितने साल का? 7 साल का। कितने साल का? 7 साल का। इससे बोले एक बार, 7 साल का। आपको पीछे बोलो, अभी भी आवाज नहीं है, 7 साल का। बोलो 7 साल का। 7 साल का। कम से कम 7 लोगों को जाकर बताओ कि 7 साल का रूम दूर हुआ है और परमेश्वर चंगा कर रहा है। बोलिए तेरे लिए हमें डूबे, तेरे लिए।